अभी पहले ना एक शॉट ले लो, बाद में इनका भाई को ले लाना ना ब्रेड वाले। ये वाली कितने की है? ये एक बीस का। चलो यार, पहली बार मंडी में हमने खुश हो जाए कि पहला जानवर देगा एक बीस का, कोई लाखों से कम आया। ये छोड़ो, अभी तक हमने जो आपको दिखाया वो 10 लाख 8 लाख, अब माशाल्लाह से और ये वाली ये 170। अच्छा, इसके जो एक बीस आपके ने बताए हैं, इसमें कमी बेशी कितनी होगी इसका? आप बता दो। अरे हम नहीं, कस्टमर जो बताएगा, कस्टमर बताएगा, हमने क्या बताया? आप कितनी कमी बेशी करोगे? एक में ले जाओ, ये देख रहे हैं एक में पहला जानवर है जो पहला हमारा देखा है, 1 लाख रुपये। और ये वाइट वाला 170 का है, तो तकरीबन ये भी आप समझ लें कि 170 इन्होंने बताए हैं तो 1.5 लाख हो जाएगा। छोटे जानवर जो कम से कम रेट आ रहे हैं वो आप तकरीबन देख रहे हैं कि कम से कम भी आपको 1 लाख से छोटा जानवर जो है वो 1 लाख से कम नहीं मिला। ये वाला कितने का है? लाल वाला, लाल वाला, लाल वाला, ये भी 1.5 लाख का। तो सही है मेरे में हिसाब से, आप देख रहे हैं कि 1.5 लाख रुपये कमी बेची, 20-30 हज़ार रुपये तो जब आप आके तय करेंगे तो कमी बेशी तो होगी। और ये काली वाली, हाँ ये काली वाली 250 का, 2.5 लाख का सही है, ये आपका 2.5 लाख। तो ये वो जानवर है वो जो आप देख सकते हो, बचना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। तो यहाँ पर यह है कि कमी बेशी का रेट भी है और तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए के में आपको जो छोटा जानवर है वो मिल जाएगा। ये भी देख रहे हैं, ये भी है 130 का, मैंने इसके बताया 130 का, ये भी 130 का जानवर। ये छोटे वाले जानवर हैं, ये बिल्कुल ही छोटे, ये तकरीबन 80 हज़ार में तकरीबन अभी ये छोटे मिले, तो पिछले साल 60 हज़ार 55 हज़ार के थे, वो तकरीबन 20-30 हज़ार रुपये का फ़र्क आया। ये 140 का, 140 रुपये ये जाने। ये 80 हज़ार, वही जो मैं आपको कह रहा था कि जो पिछले साल जानवर अगर 60 हज़ार का था तो तकरीबन 20-30 हज़ार। वैसे भी पेट्रोल का इशू है सबसे पहले, दूसरा महंगाई हमारे शहबाज शरीफ की महंगाई है, और तीसरा जो है वो जानवरों की बीमारी है। अब जो तीन इशू मिल के जब आप समझ सकते हैं कि 30-40 हज़ार का कम से कम जो फ़र्क है वो ज़रूर आपने अदा करना है, ये 80 हज़ार रुपये का। और ये थोड़ा सा जो ब्लैक वाला है, ये 90 हज़ार, 80, इसमें भी मेरे ख्याल से 5-10 हज़ार रुपये की तो आपको तकरीबन। ये सारे जो जानवर आप देख रहे हैं ये हैं 1 के अंदर 1 लाख के अंदर, 80-90। अगर वो 1-20 बताएंगे भी आपको तो तकरीबन फिर भी 1 लाख 90 हज़ार तक, अब जितनी नेगोशिएशन या आप जितना आपके अंदर स्किल्स है कि आप कमी बेशी कर सकते हैं, तो उस सूरत में ये एक माशाल्लाह जानवर है, ये 1.5 लाख का, ये 1-30 का, ये 1-20 का, ये भी 1-20 का। ये तमाम जानवर जो हैं वो अंदर है। 1-20 का मतलब हुआ कि आप कम से कम 10-15 तो समझ लें बार्गेनिंग हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मुनीम रहमान। मुनीम भाई, आप ये बताएं आप जानवर कहाँ से लेकर आए, अपने पले हुए हैं या आप खरीद कर या फिर पाले? पाले हुए हैं कश्मीर से लेकर।
कश्मीर का जानवर है, तो रेट भी आपके माशाल्लाह मुनासिब है। तो कितने जानवर लेकर आए हैं? तकरीबन 80-90 लेके। पिछले साल और इस साल में क्या फ़र्क है? रेट नहीं दे रहा भाई, कस्टमर रेट नहीं दे रहा आपको, रेट महंगा पड़ रहा है लेकिन कस्टमर वो रेट नहीं दे रहा। नहीं बच रहा। तो तकरीबन कितने जानवर लाए हैं आप? भाई 80 जानवर। 80 जानवर, तो अभी तक कितने सेल हुए? जी अभी तक कितना बेच चुके हैं? अभी कुछ नहीं, कुछ नहीं बिका अभी, मतलब आपने बिस्मिल्लाह भी नहीं की। तो उम्मीद है इंशाल्लाह उम्मीद है। तो अब देख रहे हैं, हर भाई परेशान है क्योंकि महंगाई लोग नहीं समझते, लेकिन महंगाई इतनी हो चुकी है जो पेट्रोल के रेट्स हैं। अब आप खुद बताएं सर, कहाँ से आप कश्मीर से लाएँ, तो जो एक्सपेंस पहले इनका अगर 50,000-100,000 रुपये था, वो तकरीबन अब 3 गुना ज़्यादा हो गया। पेट्रोल की कीमत आप देख सकते हैं 90 रुपये बढ़ी है एक महीने के अंदर अंदर। तो अंदाज़ा लगाएं, जो ट्रक पहले अगर 1,00,000 रुपये किराया लेता था, वो 3,00,000 रुपये लेगा, 3,00,000 रुपये लेगा। लोगों को अंदाज़ा नहीं है। फिर उसके बाद जो चारा वारा सब जो इसकी मेंटेनेंस है, सब खाना पीना, वो भी समझें डबल ट्रिपल हो चुका है। मंडी के जो रेट हैं वो भी डबल ट्रिपल हो चुके हैं। मंडी में जो पहले और मंडी में अब क्या फर्क है? पहले मंडी का जो आपका किराया वगैरह लगता था वो, और अब कितना है? तीन गुना हर चीज़ समझे, आप अंदाज़ा लगा लें 3 गुना ज़्यादा। लेकिन फिर भी इनका माशाल्लाह जानवर के रेट जो है अभी भी मुनासिब है, पिछले साल की बनस्बत जो है वो अभी भी मुनासिब है। 20-30 हज़ार का फ़र्क तो समझे आपको एक जहन में रखना चाहिए, वो लाजमी है। वो तो सिर्फ हमारा कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा, कोई ग्राहक नहीं आ रहा। चलें अल्लाह आपकी बेहतरी फरमाए।